हेलो जी जय माता दी, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और आज जो है ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से। अभी शाम के बज चुके हैं 6। और ये देखिए मेरे पीछे का जो नज़ारा है वो है कुछ इस तरह का। और मैं आई हूँ घासनी में। घासनी में घास के लिए नहीं आई हूँ, किसके लिए आई हूँ तो चलिए वो भी शेयर करती हूँ। और सबसे पहले आप लोगों के साथ में अपना जो खूबसूरत सा इन घाटियों का व्यू है ना वो शेयर करती हूँ। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारी हिमाचल की घाटियों का प्यारा प्यारा सा खूबसूरत सा नज़ारा। और दिन को भारी बारिश के बाद अब जाकर के मौसम थोड़ा साफ़ हुआ है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा ये नज़ारा लग रहा है। और अब जो है घासनियाँ हमारी दोबारा घास से भर चुकी है और मैं भी यहाँ पर इस वक्त घासनी में ही हूँ। यहाँ पर मैं और मेरी जो भाभी है वो आए हम जंगली सब्जी ले जाने के लिए। कैसी सब्जी है, कैसी दिखती है, किस तरह से इसको हम बनाते हैं, कैसे खाते हैं, वही मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बहुत ही ट्रेंडिंग वाली सब्जी है, यानी कि ट्रेंड में चलती है हमारे हिमाचल में, खासकर ज़्यादातर जो आजकल बरसात का मौसम होता है उसमें ना। ये देखिए फ्रेंड्स ये है, आप इनको देख करके क्या बोलेंगे, क्या है ये, क्या दिख रहा है। तो जो आप गैस कर रहे हो ना ये वही है या फिर कुछ और है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये है जंगली अरबी के पत्ते जो कि जंगलों में पाई जाती है ये। और इसकी ना सब्जी नहीं होती है, मतलब कि इसमें जो बीज लगता है ना उस बीज की सब्जी नहीं बनती है, बल्कि इन पत्तियों की सब्जी बनती है। और सब्जी उनकी इस तरह से ही बनती है जिस तरह से हम ना अरबी के पत्तों की सब्जी बनाते हैं, उसी तरह से इनकी भी सब्जी बनती है। पर एक बात मैं आपको बताऊँ कि ये जो बनती है ना पत्तियों की सब्जी, ये जो जंगली पत्तियाँ हैं, इनको जो मेरे हिमाचल से होंगे या फिर उत्तराखंड से होंगे, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड में ये सब्ज़ी ज़्यादा पाई जाती है। और मुझे पता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ना लोग, वो भी ज़्यादातर हिमाचल और उत्तराखंड से हैं, उसके बाद अदर स्टेट से हैं। तो वो मुझे ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पर इन पत्तों को क्या क्या बोलते हैं। हमारे भाषा में इनको अड़गड़ू बोलते हैं, और आप लोग क्या क्या बोलते हो मुझे ज़रूर बताना। और इनको मैं निकालूंगी, ये देखिए एक एक पत्ती। और इनका जो ये देखिए सेम उसी तरह की होती है जिस तरह से जंगली, सॉरी जो मतलब हमारे घर की अरबी होती है ना उसी तरह की होती है, पर ये अरबी नहीं है, जंगली अरबी है। और एक खासियत है इस सब्जी की कि जैसे हम अरबी के पत्ते बनाते हैं ना तो वो बाइले होते हैं और भारी होते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि हमने ऐसा खा लिया वैसा खा लिया, हमें सब्ज़ी पची नहीं, भारी भारीपन सा लग रहा है। तो ये जो पत्तियां हैं वो हर एक इंसान के लिए अच्छी होती है, सेहत के लिए भी, और इनका जो टेस्ट होता है ना वो तो क्या कहना। तो इनको हम जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। वो दिखती सेम वैसी ही है जैसी अरबी के पत्ते होते हैं ना वैसे ही, पर ये थोड़ी मतलब वो बड़े पत्ते होते हैं अरबी के और ये छोटे होते हैं इससे, और ये बहुत ही निरोगी सब्जी बनती है। तो मैं इनको ना इकट्ठा कर लेती हूँ। जो पत्तियाँ थी वो हम ले आए हैं इकट्ठा करके, और ये देखिए छोटे छोटे होते हैं इसके पत्ते। पर ये देखिए जो अरबी के पत्ते होते हैं ना इससे आकार में ये बिल्कुल छोटे हैं, और अरबी के जो पत्ते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं। ये देखिए इससे बड़े भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। ये ना मैं बाहर लगाने के लिए इनको लाई हूँ, क्योंकि इनमें ना जब हम लगाएंगे तो आप समझ सकते हो कि ये छोटे हैं, इन पे ना सही ढंग से मसाला इकट्ठा नहीं लगता है। फिर जब ऐसे इनको ऐसे कर देंगे ना फिर नहीं लगेगा, ये इस छोटे से पत्ते में ये नहीं आएगा और मात्रा इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने ये लिया है। क्या अंतर है इनमें आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इन दोनों में अंतर है, सेम है ये दोनों। ये देखिए दोनों सेम है, पर बस अंतर में इतना है कि ये छोटे हैं और ये बड़े हैं। तो और इसकी जो सब्जी होती है ना फ्रेंड्स, ये प्राकृतिक देन है, नेचुरल है, इसको किसी ने नहीं उगाया है, ये खुद ब खुद उगे हैं, ना कहीं से इसका बीज लाया है। और इनकी जो पौष्टिका, इनमें जो पौष्टिक तत्व होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये जंगलों में पाई जाती है और हिमाचल के जंगलों में ऐसी सब्जियां बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पर इसकी जो रेसिपी है ना वो आपको आज नहीं मिलेगी देखने को,
वो मिलेगी कल, क्योंकि ब्लॉग बड़ा हो जाएगा और बड़े बड़े ब्लॉग आजकल अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो माफ़ी चाहती हूँ। और इनको ना मैं सुबह के लिए बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है तो उनको ना सब्जी चाहिए होती है टिफिन में, तो ये सुबह के लिए बनेंगे। अभी के लिए कुछ और बनेगा तो मैं इनको काटूंगी सबसे पहले। और इनका जो सारा सामान है ना वो अभी से तैयार करके रखूंगी। सुबह बस मैं क्या करूंगी कि मुझे सिर्फ इसमें तड़का लगाना है और बना करके अभी रख दूंगी। और जब ये बासी होते हैं ना तो ये ज़्यादा और भी ज़्यादा टेस्टी होते हैं, तो फटाफट से इनको काट लेते हैं पतला पतला सा। ये देखिए इस तरह से मैं काट रही हूँ। और फ्रेंड्स बैठ ही जाती हूँ, क्या मैं बोलने लगी थी मुझे वो ध्यान नहीं आया। हाँ मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी, जो बात भूल गई उसे छोड़ो, उसको याद नहीं करना है। एक बात ज़रूर बोलूँगी, आप मुझे जहाँ से भी देख रहे हो तो मेरी बात पे ज़रूर अमल करना। वैसे तो आप खुद समझदार हो, पर जहाँ से पैदल रास्ते हैं, खासकर हिमाचल में जहाँ से पैदल रास्ते हैं, वहाँ से ना तो खुद जाएं और ना ही अपने बच्चों को भेजें आजकल। और बेफजूली कहीं घर घर से भी बाहर नहीं निकले। हमें पता है कि हम गांव में रहते हैं और हमें तो रोज़ निकलना होता है कहीं घास के लिए कहीं कहीं, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। मेरी जितनी भी बहनें घास के लिए जाती है या कहीं बाहर जाती है, क्योंकि पहाड़ों में हो रही है आजकल फिसलन बहुत ही ज़्यादा, बरसात का मौसम है और पहाड़ियाँ गिर रही है, और इधर उधर से जो भी जितने भी रोड है सब कट चुके हैं, तो जो पैदल लोग जाते हैं उनके लिए भी और जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए भी, आप खुद भी सुरक्षित रहिए और अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखिए। और बहुत सारा नुकसान हुआ है हमारे मंडी में, सोलन में और कुल्लू में, ये तीनों ही जिलों की बात नहीं है, हर एक जगह पे नुकसान हुआ है। तो आप सभी लोग खासकर हिमाचल के लिए ज़रूर प्रेयर करना कि भगवान जी ऐसा मत कीजिए, आप हमसे अगर नाराज़ है ना तो नाराज़ मत होइए, और किसी की जान ना जाए, किसी का हानि ना हो, किसी का कुछ ना हो, बस सबको सुरक्षित रखना। और आज का जो ब्लॉग है ना वो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि इनको काटते काटते मुझे देरी हो जाएगी। तो फिर मिलेंगे एक नए से ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से जय माता दी, बाय बाय।